गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके इकोनॉमिक्स से, चैप्टर नंबर 15, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, है ना। एज ऑल ऑफ यू नो कि इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी क्या होती है, किसी अर्थव्यवस्था को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके, सो इसी से रिलेटेड हमने क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल पर कैपिटा इनकम, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। इन मॉडर्न एज एवरीवन डिजायर्स टू हैव अ हाउस टू लिव, फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वियर एंड फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन हेल्थ फॉर देयर चिल्ड्रन। आज के इस मॉडर्न एज में अगर देखा जाए तो हर किसी के पास खाना, हर कोई जो चाहता है एक अच्छी लाइफ जो चाहता है, उसमें क्या होता है, उसके पास घर होना चाहिए, खुद का खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, उसके सब वेरियस फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज होनी चाहिए, है ना, उसके लिए भी और उसके आने वाली जनरेशन है उसके बच्चों के लिए भी। बट ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे गेट एम्प्लॉयमेंट, सो दे कैन अर्न इनफ एंड दस कैन फुलफिल देयर नीड्स। पर लेकिन इन सारी बेसिक एमिनिटीज को पूरी करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, द सोर्स ऑफ इनकम, जब ही जाके, या फिर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, काम, रोजगार होना चाहिए, जब ही जाके ये इन सारी बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल कर पाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक, सॉरी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स। इस पूरी प्रोसेस को, मतलब कि जो रोजगार की वजह से जो सारी बेसिक एमिनिटीज वो अपनी फुलफिल कर सके, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, दस दिस कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच कंटिन्यूस प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अवर कंट्री आर यूज एफिशिएंटली। इन दिस प्रोसेस नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एंड लीड्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब इस कंडीशन में सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगर रोजगार होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो वो देश, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड, यानी कि वहाँ पे सारे जो इंसान हैं वो सक्षम हैं। ओके, तो फॉलोइंग आर द ओपिनियंस ऑफ एंशियंट एंड द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, कुछ जो एंशियंट और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिए कि क्या एक्चुअल में होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या कॉन्सेप्ट माना था कि हम किसी भी कंट्री को या किसी पर्सन को इकोनॉमिकली डेवलप हम कैसे बोल पाते। इन द एंशियंट टाइम इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन स्पैरो, इट मीन्स दैट ऑल द टाइम इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड कंट्री। हियर द इकोनॉमी वॉज मेनली बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग, हार्ड वर्क एंड म्यूचुअल ब्रदरहुड। Sufficient food grains were obtained from fertile land and cottage and rural industries made their living easy. Trade was done on large scale with people that the state and the villagers were happy and prosperous. In ancient time, under economic development along with materialistic facilities, human values were also given importance. The great thinker Kautilya described this thought in detail in his book Arthashastra. अगर हम एंशियंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कौटिल्य यानी चाणक्य से, उनकी बुक अर्थशास्त्र से। ओके, अब उस समय दैट टाइम इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इंडिया काफी प्रॉस्परस कंट्री थी, यहाँ की इकोनॉमी बहुत सिंपल लिविंग होने की वजह से और पीपल से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने की वजह से, आपस में भाईचारा होने की वजह से यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी। सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहले की विलेजेस सेल्फ सफिशियंट थी, है ना, पहले विलेजेस आपस में सेल्फ सफिशियंट थी, उनके जो लैंड्स थे, फर्टाइल से, छोटे मोटे उद्योग से, उनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। ओके, इन एंशियंट टाइम स्पेशल प्लेस वॉज गिवन टू मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल। द मर्सेंटाइल थिंकर्स ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस कंसिडर्ड गोल्ड एंड सिल्वर एज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट केम ऑन चेंजिंग विद टाइम। अब मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि द रिसोर्सेज, द डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उसको मेटेरियलिस्टिक इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो एंशियंट इंडिया में इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, स्पेशल अटेंशन दिया जाता था मेटेरियलिस्टिक, उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता था सोने और चांदी में दिया जाता था, कि किसी भी कंट्रीज में अगर सोना और चांदी जाता है तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट
ज्यादा है। हालांकि इकोनॉमी की डेफिनेशन या डेवलपमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री। Karl Marx considered economic development as establishment of socialism. J.S. Mill's opinions about economic development is totally different. He considered economic development as to follow the principle of cooperation for the welfare of people and economic development. तो इसके वेरियस इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। लाइक एडम स्मिथ ने यह कहा कि जिस भी कंट्री में गुड्स और सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो, मतलब कि सामान जो गुड्स होता है उसका मतलब व्यापार करना, जब जहाँ पर ट्रेड ज्यादा होता है वहां पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। Karl Marx के हिसाब से ही बोला कि कैसे भी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वहाँ के सोशलिज्म से बढ़ता, आपस में भाईचारे की वजह से बढ़ता। जेम्स मिल ने अपने ओपिनियन में ये दिया कि जो पीपल का वेलफेयर भी होना चाहिए, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तब जाके हम उसको ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे। तो ये डिफरेंट जो पीपल थे, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी। अमंग द न्यू इकोनॉमिस्ट पॉल अल्बर्ट कंसिडर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाई यूज ऑफ ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बाई अ कंट्री। अब जो नए इकोनॉमिस्ट है पॉल अल्बर्ट, उन्होंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ऐसे दी कि रियल नेशनल इनकम तभी बढ़ती है जब उसके जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्स हो, किसी भी कंट्री के जब रिसोर्सेस हो, उसके बेसिस पे उस कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है और जब जाके ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। वाइल इन द ओपिनियन ऑफ विलियमसन एंड बस स्ट्रीट, डेवलपमेंट इज इन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री। और वेयर एज विलियमसन एंड बर्थ स्ट्रिक्स हैं, उनके हिसाब से हर पर्सन की इनकम डिपेंड करती है पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन जितना भी वो इनकम आ रही है उससे पता चलता है कि वो कंट्री कितनी इकोनॉमिकली डेवलप हुई है। द ओपिनियन ऑफ डी ब्राइट सिंह इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इन दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इंक्रीज इन मनी इनकम बट ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। इसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट थे डी ब्राइट सिंह, उन्होंने इसकी अलग डेफिनेशन दी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की। इसका मतलब सिर्फ पैसा ही डिफाइन नहीं करेगा कोई कंट्री इकोनॉमिक है या कोई पर्सन इकोनॉमिक, उसके साथ साथ इनकम भी बढ़नी चाहिए, इसके साथ साथ वहाँ के पीपल्स का वेलफेयर भी होना चाहिए, मतलब उनको सारी सुख सुविधा, पब्लिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, ये सारी चीजें वहाँ के पीपल्स को मिलनी चाहिए। प्रोफेसर अमृत्य सेन ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर सोशल वेलफेयर। इसी दौरान प्रोफेसर अमृत सेन जो कि सोशल वेलफेयर वर्कर थी, उनको इस पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ओके, नाउ मेयर एंड बाल्डविन हैव डिफाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसके बाद मेयर एंड बाल्डविन ने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये थी कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पर जो नेशनल इनकम है वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो बढ़ती जाए। ओके, तो ये सारी डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट थे उनके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन आपने स्टडी करी। ओके, अब हम पढ़ेंगे द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमें नॉलेज होना चाहिए कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हम कैसे स्टडी करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया की या पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी कैसे बढ़ती जा रही है, मतलब वहाँ पर अर्थव्यवस्था उसकी कैसे सुधरती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, मीन्स नेशनल इनकम उसकी कैसे बढ़ती जा रही है, नेशनल रिसोर्सेज की वजह से वहाँ के पीपल वेलफेयर है कि नहीं, वहाँ के पीपल से बेसिक एमिनिटीज की फैसिलिटीज पहुँच पा रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम कैसे जज करेंगे। तो उसके कुछ पॉइंट्स है, देयर आर 5 पॉइंट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, लॉन्ग पीरियड प्रोसेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेशनल इनकम ग्रेजुअली इंक्रीजेज, दिस इज कंटिन्यूस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन एन इकोनॉमी एज अ रिजल्ट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, जब कंटिन्यूसली हमारी नेशनल इनकम बढ़ती जाए, कमोडिटीज यानी कि जो गुड्स हैं वहाँ के उस कंट्रीज के जो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स हैं वो बढ़ते जाए, तो जब जाके उनकी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। ओके, फिर आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम भी बढ़ती जानी चाहिए, पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन की इनकम भी बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक
डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होता जाएगा। फिर आता है लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, डेवलपमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म और इंक्रीज द चेंज। ओके, कहीं से भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की इकोनॉमी सडन इंक्रीज नहीं हो सकती, उसको लंबा समय चाहिए रहता है। लाइक हम अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, आप छोटा सा बिजनेस इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया और आज ही आपको उसके रिटर्न मिल जाएंगे। यू हैव टू वेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको उसके रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इकोनॉमी किसी भी कंट्री की सुधारना एक साल में दो साल में पॉसिबल नहीं है, ये एक लंबा समय टाइम लगती है। शॉर्ट टर्म चेंज नहीं है जिससे कि नेशनल इकोनॉमी अचानक से बढ़ जाए, है ना, इट विल टेक अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ इन एनी वन ईयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू गुड रेन, देयर वर नेशनल इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज, बट इट कैनॉट बी कॉल एज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। लाइक अगर एग्जाम्पल है कि किसी साल बहुत अच्छी बारिश हुई जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छी ग्रो हुई, लाइक हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, है ना, कि बहुत अच्छी बारिश हुई, किसान ने जितने भी किसान थे उनकी बहुत अच्छी क्रॉप्स ग्रो हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स गुड्स अच्छे हुए, इसका मतलब तो इस वजह से नेशनल इनकम भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस साल हमारी ज़्यादा इनकम आ गई तो हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप हो गए। ये चीज़ें अभी कंटिन्यूसली भी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म लंबे समय तक चलनी चाहिए, जब जाके हम हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप बोलेंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे यहाँ सोर्सेस हैं, है ना, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, क्योंकि किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज जो उसके पास हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज से लेके आप अपने खुद के यहाँ प्रोडक्शन करके आप अपना इकोनॉमिकल डेवलप, जो इकोनॉमी है, देश की जो इनकम है उसको आप बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल वेलफेयर। अब कोई कंट्री अगर इकोनॉमिकली है ना डेवलप होती रहती है तो इसका मतलब क्या कि वहाँ पर नेशनल इनकम भी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम भी, यानी पर पर्सन की इनकम भी बढ़ती जा रही है। अब अगर पर पर्सन की इनकम बढ़ती जाएगी तो वो अपनी जो बेसिक एमिनिटीज है उसको भी फुलफिल कर पाएगा और उसके साथ साथ जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, जो उसके जीवन जीने की जो उसकी शैली है वो भी उसकी बदलती जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका सुधरता जाएगा, तो ये भी एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में कौन कौन से सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज हो गई, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, ये सब पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंडर आता है, इनमें भी इम्प्रूवमेंट अपने आप आता जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके 5 पॉइंट्स जिससे कि ये साबित होते हैं कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी जगह की इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेशनल इनकम और नेशनल पर कैपिटा इनकम के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।